वेलकम टू एंड्रॉयड ब्लाइंड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्कैजुअल स्टेटस फॉर व्हाट्सएप। दोस्तों, असल में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कि आज रात को आपकी किसी भाई बहन की या किसी दोस्त की बर्थडे है और आप समझते हो यार मैं कहीं काम पे जा रहा हूँ, मुझे याद नहीं रह गई, या आप समझते हो यार मैं जल्दी सो जाऊँगा, मुझे नींद बहुत जल्दी आ जाती है, मैं रात को 12 बजे तक जाग नहीं सकता। तो उस सूरत में आप अपने स्केड्यूल पे लगा के स्टेटस को रख सकते हैं, वो पूरे 12 बजे आपका स्टेटस आपके व्हाट्सएप पे स्टेटस खुद ब खुद ऑटोमेटिक लग जाएगा, वो टेक्स्ट की सूरत में हो या फ़ोटो की सूरत में हो या वीडियो की सूरत में हो। ये है आज का कॉन्सेप्ट, समझ गए आप लोग। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दें। इसके साथ साथ हमारे मेल और फीमेल के ग्रुप पे अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, इसी यूट्यूब के अबाउट में आपको फॉर्म मिल जाएगा, जाकर अपना फॉर्म फिल करें और ग्रुप में जुड़ जाएँ। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल और इसके साथ व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें, इन दोनों का भी लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं बहुत सारी ऐप सेंड करता रहता हूँ जो कि ब्रांड के हवाले से होती हैं, ठीक है। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड्रॉइड लाइट वर्ल्ड यूनिक ऑलवेज। ये इसका नाम है, ठीक है। अच्छा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, अगर वहां से डाउनलोड नहीं कर सकते तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं ये इसको सेंड कर दूंगा। इसको ओपन करते हैं। ओपन किया, स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। यहां पर कुछ व्हाट्सएप के ऑप्शन आते हैं, ये देखो, ये व्हाट्सएप है, इसके आगे जीपी व्हाट्सएप, एफएम व्हाट्सएप, यो व्हाट्सएप बिजनेस, आप व्हाट्सएप बिजनेस पर भी लगा सकते हैं। अब जारी बात है, मैं यहाँ पे व्हाट्सएप को चूज करूंगा। ये सबसे पहले वाला व्हाट्सएप मैसेंजर है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। मैंने इसको क्लिक किया, सेलेक्ट कर लिया, स्वाइप करते हैं लेफ्ट और राइट। प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। स्टार्ट स्केड्यूलर, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। इस पे क्लिक किया, स्वाइप करते हैं लेफ्ट और राइट। 2 minutes 40 seconds, permissions required, enable notifications for this app to work as expected, cancel, cancel, allow, allow notification का ये कह रहा है, ठीक है, allow के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ परमिशन शायद आपके पास आई या ना आए, क्योंकि मैं एंड्रॉयड 14 यूज़ कर रहा हूँ, तो हाँ, एंड्रॉयड 14 के अंदर कुछ परमिशन ज़रा अलग से होती हैं, इस चीज़ के भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। शो नोटिफिकेशन अनचेक, इसको मैं चेक लगा देता हूँ। अब बैक करता हूँ, ठीक है। अगर स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट, शो मेन्यू, न्यू स्टेटस, ठीक है। Pending tab, one of three selected. यहाँ पे by default pending के ऊपर select होता है, ठीक है। Schedule status tab, the schedule of new status. New status के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक किया, उसके बाद swipe करते हैं left to right. Permissions required this app, cancel. Permissions required this app requires ability to post the schedule status to WhatsApp automatically for you. Cancel. Cancel. Allow. Allow करते हैं. Status scheduler. Accessibility. ये सीधा हमें accessibility के अंदर ले गया, वहाँ पे आपने डाउनलोड वाले ऐप वाले ऑप्शन में जाके तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया डाउनलोड ऐप्स के ऊपर, यहाँ पे इस ऐप को ढूंढते हैं। यहाँ ऑफ है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। सिक्योरिटी, तो यहाँ पे क्योंकि एंड्रॉयड 14 और मैं शाओमी का मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास इस किस्म के ऑप्शन ज़रूर आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर चेक लगाते हैं, चेक, कैंसिल, ओके कर देते हैं, ऑन हो गया। बैक करते हैं दो बार, दोबारा से बैक करते हैं, ठीक है, दोबारा से बैक किया था, अब मैं उसी ऐप के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। Select media, right text, open gallery, choose video. ठीक है, आप देखो right text.
राइट टेक्स्ट, ओपन गैलरी, चूज वीडियो, इनमें से कोई भी आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो हो या ओपन गैलरी से कोई फोटो लेनी हो या टेक्स्ट की सूरत में आपने किसी को किसी आपने स्टेटस को आपने स्केजुल पे लगाना हो, ठीक है। राइट टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ जो है एडिट बॉक्स ओपन हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे एग्जांपल के तौर मैंने हाई लिख दिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, टेक्स्ट में ना आप सिर्फ इसकी लिमिट है, टेक्स्ट के में आप कम से कम 200 तक आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। इसके ऊपर आपको परचेज करना पड़ेगा इस ऐप को, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे स्वाइप करते हैं। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। Stop recording. अगर चलते हैं। This status will be shared to your date. यहाँ पे डेट का ऑप्शन है, ठीक है। डेट को आगे पीछे कर सकते हैं आप। आज ये 27 April 2024 1:30 PM. आज क्योंकि अप्रैल 27 है, तो यहाँ पे डेट के ऊपर फोकस रख के आप वैसे जीशु के साथ तो वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम आप से भी डेट को आगे पीछे कर सकते हैं। मैं अभी जीशु यूज कर रहा हूँ, तो मैं वॉल्यूम डाउन को प्रेस करूंगा। April 27, 2024, 1:30 PM. ठीक है, चलो अभी शायद ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इस वजह से ये नहीं ऐसा बोल रहा, ठीक है। April 27, 2024, 1:30 PM. ये जो जहाँ पर ये डेट और टाइम बता रहा है, इस पर क्लिक करके टुडे 13 o'clock 30 minutes, ठीक है। 13 o'clock today. अच्छा, यहाँ पे जो बता रहे टुडे, यहाँ से आप डेट को आगे पीछे कर सकते हैं। Sunday, April 28th. देखो कल संडे है, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 28 का ये अगला दिन आ गया है। Monday, April 29th. Tuesday, April 30th. Wednesday, May 1st. May 1st, ठीक है। यहाँ आप डेट को आगे पीछे कर सकते हैं वॉल्यूम आपसे, अगर आप जीशु यूजर हैं, टॉकबा के साथ आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। आगे है 13 o'clock. 13 o'clock यानी कि 1, ठीक है ना। तो यहाँ से आप घंटे को भी आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। 12 o'clock 13 o'clock 14 o'clock ये 2 15 o'clock 3 16 o'clock 4, ठीक है। आगे 30 minutes 30 minute, ठीक है। यहाँ मिनट को आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मिनट 15 मिनट आगे पीछे होते हैं, ठीक है। 15 minutes 15 minute मैंने वॉल्यूम डाउन किया, आप करता हूँ 45 minutes 45 minute, ठीक है। तो इस हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे ओके कर देते हैं और आप देखें। Schedule status. Hi. This status will be shared. Date. May 1st, 2024, 4:45 PM. ये देखो, ठीक है। May 1st, 4:45 PM. Edit date. इसके ऊपर क्लिक करके आप डेट को दोबारा से एडिट कर सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि थोड़ा सा आपसे मिस्टेक हो गई है तो, ठीक है। इस पर देखो, Wednesday, May 1st. Wednesday, May 1st. 16 o'clock. 16 o'clock. 45 minutes. ठीक है, 16 यानी कि 4 बजे, ठीक है। तो इस तरह आप इस ऐप को ये अभी हो चुका, मैंने ओके पर क्लिक कर दिया है, तो ये मई फर्स्ट को 4:45 पे इसके लिए आपका स्क्रीन ऑन होना, ये थोड़ा सा इसके अंदर आप समझ चुके अभी बग है, फिर आप समझ लो कि स्क्रीन ऑन होना आपका ज़रूरी है और नेट आपकी ऑन होना भी ज़रूरी होगा, ठीक है, तभी ये स्टेटस अपलोड पाएगा। अगर स्क्रीन ऑफ होगी तो वो आपको नोटिफिकेशन देगा, आप स्क्रीन अपनी ऑन करें ताकि आपका स्टेटस अपलोड हो सके शिकायत पे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। वीडियो को अच्छी लगी लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर सेट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।